भाजपा अमित शाह को ठिकाने लगाने की तैयारी कर चुकी है। तो विवाद की शुरुआत होती है साल 2020 में। शीर्ष नेतृत्व और कई केंद्रीय मंत्री अब खुलकर अमित शाह के विरोध में सामने आ गए। अमित शाह को ठिकाने लगाने के साजिश में खुद प्रधानमंत्री भी शामिल। भोजन करने के दौरान कुछ नेताओं ने अमित शाह के साथ मारपीट तक की कोशिश। अब संघ और संघ समर्थित भाजपा ने अमित शाह से नाता तोड़ दिया। अगर हम आपसे कहें कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और अमित शाह के बीच तकरार चरम पर पहुंच गया है तो यकीन करने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर यह सच है कि भाजपा अमित शाह को ठिकाने लगाने की तैयारी कर चुकी है। अमित शाह को ठिकाने लगाने के साजिश में खुद प्रधानमंत्री भी शामिल है, जिन्हें अमित शाह का जिगरी यार माना जाता है। लेकिन कहावत है ना कि राजनीति में कोई किसी का ना तो यार होता है ना ही दुश्मन, सब मौके और मजबूरियों की देन होती है। तो विवाद की शुरुआत होती है साल 2020 में, जब गुजरात के एक व्यापारी को उत्तर प्रदेश में व्यापार करने से योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जबरन अड़ंगा पैदा करता है। पारिवारिक मित्र और व्यापार में साझेदार होने के नाते अमित शाह इस व्यापारी के पक्ष में दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। शाह योगी के खास और उनकी बिरादरी के एक वरिष्ठ अधिकारी से गाली गलौज भी करते हैं, मगर मामला बनने के बजाय उल्टा पड़ जाता है। योगी आदित्यनाथ और केंद्र के कई मंत्री, शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री से अमित शाह के खिलाफ धमकी भरे अंदाज में कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं। सूत्र की माने तो प्रधानमंत्री और संघ परिवार के प्रयासों से ये विवाद उस समय तो शांत करा लिया गया था, मगर भीतर ही भीतर आग लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये है कि अब 3 साल बाद ये मामला शाह को किनारे लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। शीर्ष नेतृत्व और कई केंद्रीय मंत्री अब खुलकर अमित शाह के विरोध में सामने आ गए हैं। नतीजा ये है कि भाजपा ने तो अपने वेबसाइट के मुख्य पेज तक से अमित शाह का फोटो हटा दिया है। दरअसल इसी अगस्त में दिल्ली में संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक ने अमित शाह को कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने घर खाने पर बुलाया था। अमित शाह को पहुंचना था शाम को, पहुंचे रात में। सूत्र की माने तो अमित शाह जब पहुंचे तो देखा कि उनके विरोधी खेमे के 3 बड़े मंत्री प्रचारक महोदय के करीब बैठकर सूप पीते हुए गप्पे मार रहे थे। अमित शाह को लगा कि उनके पहुंचते ही सब खड़े हो जाएंगे और उन्हें कुर्सी दे देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रचारक ने अपनी व्यस्तता जाहिर करते हुए अपने नौकर से अमित शाह को दूसरे कमरे में बैठकर इंतजार करने को कहा। 1 घंटा 2 घंटा पूरे 5 घंटे बीत गए। प्रचारक मंत्रियों से बात करते रहे, उधर अमित शाह अकेले कमरे में बैठे बैठे गुस्से को घोंटते रहे। जब अमित शाह से रहा नहीं गया तो वो कमरे से बाहर निकलकर प्रचारक के करीब आ गए। चलने के मुद्रा में प्रचारक से बोले कि हमसे गलती हो गई जो हम यहाँ आए। उधर से प्रचारक ने जवाब दिया, गलती तो मैंने किया आपको बुलाकर। इस घटना के बाद नरेंद्र मोदी के कमरे का फोन संघ के कई वरिष्ठ प्रचारकों के फोन से पूरी रात घनघनाता रहा। संघ और संघ के दुलारे मंत्रियों का दबाव प्रधानमंत्री पर इस कदर बढ़ गया कि उन्हें अमित शाह से किनारा करना पड़ गया। अब आलम यह है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री से फोन पर भी बात करने के लिए लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता है। सूत्र की माने तो इस विवाद का एक और भी कारण है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह की अदावत। वही राजनाथ सिंह जिन्हें लंबे समय तक अमित शाह की नापसंदगी का सामना करना पड़ा। अमित शाह का दखल बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री ने राजनाथ को किनारे कर दिया था, मगर अब उन्हें संघ गडकरी खेमे सहित कई सीनियर मंत्रियों का साथ मिल गया है, जो अमित शाह को आडवाणी बनाने की कोशिश में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। यही कारण है कि राजनाथ अब खुलकर खेल रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 2 ही 4 दिन के भीतर भाजपा की केंद्रीय समिति से भी अमित शाह का नाम हटा दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। देशवासियों ने ऐसा कभी सोचा तक नहीं था कि भाजपा अमित शाह के साथ कभी ऐसा कर सकती है, मगर अब हो रहा है। सूत्र की माने तो इसी साल फरवरी महीने में जब अमित शाह इन्वेस्टर समिट लखनऊ में शामिल होने के लिए गए हुए थे, तब शाह को एक होटल में भोजन करने के दौरान कुछ नेताओं ने अमित शाह के साथ मारपीट तक की कोशिश की। इस घटना की गंभीरता को भाप अमित शाह भोजन छोड़कर तत्काल दिल्ली वापस निकल गए थे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद अमित शाह संघ के कई करीबी नेताओं को धमकियां भी दी थी, जिसका नतीजा और गंभीर हो गया।
पावर में रहने के दौरान अमित शाह ने जिस निरंकुशता का परिचय दिया है उसे अब अकेले अमित शाह को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि अब संघ और संघ समर्थित भाजपा ने अमित शाह से नाता तोड़ लिया है। सूत्र की माने तो अमित शाह पर संघ परिवार का ये दांव अगर सफल हो जाता है तो ये दांव नरेंद्र मोदी पर भी आजमाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि संघ और संघ समर्थित नेताओं का मोदी और शाह दोनों से मोहभंग हो चुका है।